बैठे हैं सभी साथी आगे एक मिनट के लिए रवि दास, उसके बाद हमारे मुख्य वक्ता राकेश टिकैत जी जो इधर उधर ट्रैक्टरों पे बैठे हैं, सारे साथी पंडाल में आ गए। रवि आजाद जी, मेरा सबसे निवेदन है एक बार सारे बैठ जाओ और दो नारे मेरे साथ लगा देंगे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। आज यहाँ चोपटा में आयोजित किसान पंचायत के हमारे सम्माननीय प्रधान आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी सहित हमारे सभी नेतागण, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे किसान बिरादरी के सरदारों, पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और मीडिया के बंधुओं, हमारे बीच में अभी टिकैत साहब अपने विचार रखेंगे। मेरी सबको हाथ जोड़ करके ये अपील है कि कोई खड़ा ना रहे, वो पंडाल में आकर के बैठ जाए। और साथियों, केवल दो तीन छोटी छोटी बात आपके बीच में मुझे कहनी है। कल यहाँ पे जमाल में काले झंडे दिखाए जा रहे थे, हमारे एक सिख भाई की पगड़ी को उछाला गया, उसके साथ मारपीट की गई। हम यहाँ के प्रशासन को एक बात कहना चाहते हैं, कल तो माफी में पीछा छूट गया, खट्टर और दुष्यंत की पुलिस बनकर के काम ना करें, जनता की पुलिस बनकर के काम करें। अब की बार माफी में बात नहीं बढ़ेगी, ये बात याद रखना। साथियों, अभी हम 51 गांव में गए, पहले दिन हमारे बड़े भाई लखविंदर जी खड़े हैं जो एक एक गांव में जा रहे हैं और जिस तरह से जनता अपील को सुन रही है, आशीर्वाद दे रही है, हमें बाहर के लोग एक बात कह रहे हैं कि इलाहाबाद वाले लुटिया तो नहीं डुबा देंगे। हमने कहा लुटिया डुबोएंगे नहीं, इस आंदोलन को चार चांद लगाने के काम करेंगे। चार चांद यहाँ के प्रशासन को भी ये बात कही है, यहाँ पर डंडे के जोर पे चुनाव करवाया जा रहा है, दहशत से वोट डलवाने की तैयारी है। साथियों, आपसे छोड़ी फैला करके एक अपील करते हैं, जिन्होंने हमारी दिवाली काली की है, 2 तारीख को इन बीजेपी और आरएसएस वालों की दिवाली से पहले महाकाली कर दो दिवाली। एक अंतिम बात के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। साथियों, अभी यहाँ पर बात आई कि बीजेपी के लोग ट्रक भर करके पैसा बांटने के लिए गांव में आना चाहते हैं, लेकिन कोई पैसा लेने वाला नहीं है, वो दारू के ट्रक भर करके दारू बांटना चाहते हैं। साथियों, हम आपकी ताकत से एक बात करें, आपकी ताकत से ये बात करें कि गांव में अगर आ गए तो आ तो जाओगे, लेकिन गलत चीज और गलत आदमी को वापिस नहीं जाने देंगे प्रशासन, ये बात याद रखते हैं। और अंत में मेरी आपको यही अपील है, जो ये अपराधी आए हैं, ये गुंडे आए हैं, क्रिमिनल बलात्कारी आए हैं, ये रैली कर रहे हैं, आज हम इनको 2 जगह पर रैला करके इनको इनकी औकात बता दिए कि इनकी औकात कितनी है। और साथियों, मेरी सबको यही प्रार्थना है, सारे इकट्ठे हो जाओ, समय बहुत कम है, तैयारी करो, यहाँ जीतेगा किसान और हारेगी पूरी भाजपा, आरएसएस और पूरी जननायक जनता पार्टी। सारे इकट्ठे होकर के लड़ो, बहुत बहादुर लोग हो, और इनका पुंजड़ पाड़ के इनके हाथ में दे दियो, इनको लांडा करके हाथ से गिराने का काम करना।